मेरे पीछे यादव लोग हैं, यादव लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो मेरा कच्चा मकान है, वो मेरा घर बनने नहीं दे रहे हैं। दलित महिला को परेशान कर रहे जातिवादी। वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही इस महिला का नाम है आरती। आरती दिव्यांग है जो यूपी के प्रयागराज जिले के झलवा कस्बा में झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। आरती की ये झोपड़ी देखकर आप उसकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आरती को पक्का मकान बनाने के लिए कुछ आर्थिक मदद मिली है, लेकिन आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग ना सिर्फ उसके साथ जातिवाद करते हैं बल्कि उसका मकान बनने से भी रोक रहे हैं। पुलिस को दी शिकायत में आरती ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र यादव और ज्ञानेंद्र यादव और उनके तीन भाई और उनकी पत्नियां उन्हें मकान बनाने से रोक रही हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। आरोप है कि इस दौरान आरती और उनके परिवार को जाति सूचक गालियां भी दी जाती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे काम करने से रोका जा रहा है और परिवार पर गोबर भी फेंका जा रहा है। आरती ने अब एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम आरती है, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ, दलित महिला हूँ। आप लोग मेरी कॉलोनी, मेरा कच्चा मकान है और मेरे पीछे यादव लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो मेरा कच्चा मकान है, वो मेरा घर बनने नहीं दे रहे हैं। आरती का आरोप है कि धूमनगंज पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही। हमने धूमनगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ राय से फोन पर बात की तो उन्होंने पुलिस पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। एक झलवा कस्बा का एक मामला है, एक लड़की दिव्यांग है, आरती नाम है उसका, दलित महिला है। उसका आरोप है कि कुछ लोग जो जातिवादी लोग हैं वो उसको घर बनने नहीं दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास में उसको घर नहीं। मैं आपको बताऊं, ये दिव्यांग बच्ची है और मेरे पास आई थी जी, और मैंने बताया था कि इसमें हम लोग राजस्व विभाग से भी संपर्क में हैं और जो इनको थोड़ा आरक्षण कर रहा है उनका ये कहना है कि मेरी भूमधरी जमीन है और भूमधरी जमीन में इनका कुछ पार्ट निकल रहा है, इसलिए इशू आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, दिव्यांग महिला है और इसका तो कब्जा है तो बनेगा ही बनेगा उसका, कि थोड़ा क्लियरिटी रहना चाहिए, तो राजस्व विभाग से भी संपर्क है और लेखपाल आ जाएंगे और मैं भी शॉर्ट आउट करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट आउट कर ले जाओ। मेरी आरती से बात हुई थी, उनका कहना है कि पुलिस जो है उनके FIR दर्ज नहीं कर रही और SC ST एक्ट में भी मामला दर्ज नहीं कर रहे, जबकि वो उनको जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नहीं, हमारे सामने मामला सिर्फ इतना ही आया था, किसी चीज को तूल दिया जाएगा तो अलग बात है भैया, इतने बात आया था कि हम ये बनवाना चाह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास इनको मिला है वो बनाने नहीं दे रहा है, वो बनाने नहीं दे रहा इस बेस पर कि उसकी भूमिधारी जमीन है अटैच उनके साथ में, तो इतना तो हम लोग का भी बनता है भाई, तुम रोक रहे हो तो काहे रोक रहे हो, और ये गरीब आदमी इसका बनना चाहिए, लेकिन जमीन का मामला है तो थोड़ा सा इशू आता है, राजस्व विभाग के लिए हम लोग संपर्क में रहते हैं, ऐसा नहीं है, और बाकी ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं है। पुलिस तो मदद करने का दावा कर रही है, लेकिन आरती अपनी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनने की बात जोड़ रही है। आसपास सभी के पक्के मकान हैं, लेकिन उसका घर आज भी फूस का है। ये रोड है SIT की, शंभुनाथ रोड है, और ये मेरा घर है, एक झोपड़ी, इसके सीधे सीधे ये सभी यादवों का घर है जो उधर दिख रहा है, और इन्होंने क्या किया है कि कच्ची नाली बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कच्ची नाली बना के रखा जिससे मेरा घर गिर गया, पूरी ये कच्ची नाली बना के रखा जिससे मेरा पूरा घर गया, ये पीछे वाला उनका गेट है, ये सभी यादों का घर है, और ये मेरा झोपड़ी है जहाँ पे इन्होंने कच्ची नाली से मेरा घर गिरा दिए हैं, और ये सीधे जाते जाते ये मेरा घर आ जाता है यहाँ पर। सर ये मैंने ईंट वगैरह जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे मिला था वो मैंने उसका उससे
उन पैसों से लिया, यहाँ बालू रख दिया है। मेरा घर सर बहुत ही खराब स्थिति में है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खराब स्थिति में है। आप देखिए सर, पूरा गिरने को है एकदम सा, और पूरी पन्नी से हम डाल के यहाँ पे रहते हैं, झोपड़ी है एकदम से, और ये पूरा घर है सर, और ये सब जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सर, यहीं पे इन लोग कर रहे थे, समय दीवार गिरा दिए हैं एकदम से, और ये पूरा झोपड़ी मेरी गिर गई है एकदम से, यहाँ पर कल काम हो रहा था और पूरा का पूरा गिरा हुआ है, और ये सब मेरा घर है। यहाँ पे इन लोग पानी गिरा के इन लोग ने क्या किया कि पूरी दीवार हट गई है, एक से पूरी गिरी हुई है, कब गिर जाएगा घर पता नहीं, झोपड़ी है। ये दीदी हैं, आरती दीदी है मेरी, और सर ऐसे ही रहते हैं हम सर, और यही है। अगर आरती के आरोप सही हैं तो ये मामला बेहद गंभीर है, इसलिए इस केस में ना सिर्फ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बल्कि आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में केस भी दर्ज होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस मामले में यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।